अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं फिलजा द लिटिल शेफ। तो जैसे कि आजकल बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स आ रही हैं, मैंने सोचा क्यों ना एक रेसिपी वेजिटेबल्स पर ही हम बना लें। वो है एग फ्राइड राइस विद चिकन चिल्ली ड्राई। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बनाएंगे एग फ्राइड राइस, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए राइस 1/2 kg, एग्स, ग्रीन अनियन, कैबेज, कैप्सिकम्स, कैरेट्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिकन पाउडर, शुगर, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 6 egg, जिनको हम बीट कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट, 1/2 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर। अब हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने पैन को हीट अप होने रख दिया था और अब हम इसमें अपना ऑयल ऐड करेंगे 2 tablespoon। अब हम अपने एग को कुक कर लेंगे। देख सकते हैं हमने अपने एग को अच्छे से कुक कर लिया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और एक साइड पे रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें हम ऐड करेंगे 3 tablespoon ऑफ ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे 1 tablespoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे सौसे कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे कैरेट्स। यहाँ पे हमने 3 carrots ली थी। अब हम इसमें अपनी कैप्सिकम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 capsicums ली थी। अब हम इसमें अपनी कैबेज ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 cabbage। ग्रीन अनियन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 cup ली है, लेकिन हम इसमें 1/2 cup ऐड करेंगे और 1/2 cup हम अपनी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon ऑफ शुगर, 3 tablespoon ऑफ सोया सॉस, 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट, 1 tablespoon ऑफ ब्लैक पेपर, 1 tablespoon ऑफ चिकन पाउडर। नाउ मिक्स इट वेल। अब हम इसमें अपने एग्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने अपने राइस बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने चिकन चिल्ली ड्राई की तरफ, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं। हमें सबसे पहले चाहिए चिकन, एग्स, कॉर्नफ्लावर, मैदा, ग्रीन चिल्ली, जिंजर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, शुगर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस। तो जब तक हम अपनी चिकन मैरिनेट कर लेते हैं, उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने ली है 1/2 kg चिकन, 2 eggs, 1 tablespoon ऑफ कॉर्नफ्लावर, 1 tablespoon ऑफ मैदा, 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट, 1 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर, एंड नाउ मिक्स इट वेल। यहाँ पे मैंने ऑयल हीट अप होने रख दिया है और अब हम इसमें अपनी चिकन फ्राई करेंगे। आपको ऑयल इतना होना चाहिए कि आपकी जो चिकन है वो डीप फ्राई हो जाए। जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है, तब तक हम अपने जो फ्राइड राइस है उसमें दम लगा लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 3 tablespoon ऑफ ऑयल। यहाँ पे मैंने एक राइस की लेयर बिछा ली है और अब हम इसमें अपनी काली मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसमें अपना मसाले की लेयर लगाएंगे। वापस से अब हम अपने राइस की एक लेयर बिछाएंगे। स्लो फ्लेम पर हम इसका लिड कवर कर देंगे 5 to 10 minutes। अब हमने एक पैन ले लिया है, उसमें हमने ऑयल ऐड कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम इसमें अब अपनी ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। देख सकते हैं हमने अपनी जो ग्रीन चिलीज है उसको अच्छे से शेलो फ्राई कर लिया है और अब हमने जो साइड पे यहाँ पे अपनी चिकन निकाल के रख ली थी, हम उसको इसमें ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपनी जिंजर भी ऐड कर लेंगे, जो मैंने कट करके यहाँ पे रखी हुई थी। 1/2 मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ और 1/2 मैं टॉपिंग पे यूज़ करूँगी। अब हम इसमें अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट, 1/2 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर, 1 tablespoon ऑफ शुगर,
1 टेबलस्पून ऑफ ऑस्टर सॉस, 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ऑफ चिल्ली गार्लिक सॉस, 1/2 टीस्पून ऑफ चिकन पाउडर। अब हम इसमें आपके हिसाब से वाटर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये रेडी हो गई है और अब मैंने इसका स्टोव ऑफ कर दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज गार्निशिंग के लिए एंड जिंजर। और अब मैं इसे सर्व करूंगी। रेडी टू सर्व। देख सकते हैं हमारे एग फ्राइड राइस विद चिकन चिली ड्राई रेडी हो गए हैं। आप भी इसे बनाइएगा, मुझे रिव्यू देते रहिएगा। देखते रहिए फिलजाद द लिटिल शेफ मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।